हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि इस प्रॉब्लम में दिया गया है, कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल टू ए एक्स आई, और ये आई कैप ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, और जो ए का वैल्यू है ये आपको 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 0 0 है, दूसरा आपका 10 मीटर कॉमा 20 मीटर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है 0, और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो हम ना लगाएंगे इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और यहाँ पर आप माइनस डी वी इक्वल टू या डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स कर देंगे, और ई की वैल्यू रखें ए एक्स आई डायरेक्शन में है। तो माइनस का 10 ए की वैल्यू रखें एक्स डी एक्स डी डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं डी वी, ये वी से वी इक्वल टू, यहाँ पे मान लो वी है ओरिजिन पे, तो वी से और यहाँ पर पी पॉइंट मान लेते हैं, तो पी पॉइंट पे कितना 0 इक्वल टू माइनस 10 इंटू एक्स डी एक्स, और ये कहाँ तक कहाँ तक x की वैल्यू 0 से 10, तो माइनस 10 इंटू ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद 0 to 10, और ये आपका हो जाएगा v to 0, और ये वैल्यू आएगा 0 माइनस v माइनस 10 इंटू 10 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी माइनस 10 100 बाई 2, ये तो 0 हो गया, माइनस वी माइनस माइनस कैंसिल, तो वी इक्वल टू 5 जा, तो ये आया आपका 500 वोल्ट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, एंड नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।